वैसे तो बैंक रॉबरी पर कई मूवीज़ और वेब सीरीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इंडिया में बनी हुई वेब सीरीज़ में जो बैंक रॉबरी के ऊपर बेस्ड हैं उनमें दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वैसे तो वर्ल्ड वाइड फेमस है बैंक रॉबरी के ऊपर स्पेनिश वेब सीरीज़ मनी हाइस्ट, लेकिन इंडिया में 9 आवर्स नाम की जो ये वेब सीरीज़ आई है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन बैंक रॉबरी सीरीज़। ये वेब सीरीज़ 1985 में हुई बैंक की 3 अलग अलग शाखाओं में एक साथ डाली गई बैंक डकैती के ऊपर है। कुछ इससे जो इस सीरीज़ के हैं वो अपनी चलती हुई कहानी से भटक जाते हैं, लेकिन उसके साथ भी तब भी वे ओवरऑल वेब सीरीज़ की बैकग्राउंड म्यूज़िक, ओवरऑल डायरेक्शन, वो इसको बहुत अच्छा देखने लायक बनाते हैं। 9 आवर्स को आप मनी हाइस्ट तो ना समझें, ना ही उससे कंपेयर करें, लेकिन अपने आप में 9 आवर्स इज़ वन ऑफ द गुड सीरीज़ ऑन बैंक रॉबरी। सीरीज़ की डायरेक्शन राधा कृष्ण जलगरमुड़ी ने की है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही हैं जिन्होंने कंगना रनावत की मणिकर्णिका की डायरेक्शन की थी। कहानी बहुत ही सिंपल है। रेस कोर्स पर रेस खेलने का शौक करने वाले एक जेलर एक बहुत बड़े गुंडे से लाखों का उधार ले जाते हैं, और उसको उतारने के लिए वो जेल के एक ऐसी कैदी की मदद लेते हैं जो बैंक रॉबरी करने में माहिर है। तभी वो जेल के 3 कैदियों को कचरे के डब्बे में छिपाकर जेल से भगा देते हैं। हर एक कैदी अलग अलग बैंक लूटने जाता है और टोटल प्लान होता है 3 बैंकों को लूटने का। 2 बैंक तो बड़े आराम से लूट लिए जाते हैं, लेकिन 3रे बैंक में आकर मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और जो रॉबर्स होते हैं वो वहाँ पर जो कर्मचारी और ग्राहक होते हैं उनको बंधक बना लेते हैं। और इसी में ये फिर कहानी आगे बढ़ती है जिसमें कि पूरी रॉबरी दिखाई गई है। पुलिस का जो मेन पुलिस ऑफिसर का जो रोल है उसमें आपको एक खड़ूस पुलिस ऑफिसर के रूप में जूनियर NTR के जो कज़न हैं तारक रत्न, वो दिखेंगे। इनकी जो ओवरऑल एक्टिंग और इनकी ओवरऑल डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बढ़िया दिखाई है। वैसे तो ये तेलुगु भाषा की है, मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, लेकिन हिंदी में जो डायलॉग इनके डब किए हैं डबिंग बहुत अच्छी दिखाई है। सीरीज़ का ओवरऑल मास्टरमाइंड अजय को दिखाया है जो कि साउथ में एक बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं। पूरी बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड यही दिखाए हैं। इनकी एक्टिंग भी बहुत ही बढ़िया है ओवरऑल सीरीज़ में। इनको अभी आपने हाल ही में पुष्पा, RRR और आचार्य जैसी फिल्मों में देखा होगा। 9 आवर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बैंक रॉबरी पर बनाई गई ऐसी वेब सीरीज़ है जो पूरे 9 के 9 एपिसोड आपको अपने साथ बांधे रखती है। हाँ, बीच बीच में थोड़ी सी अपनी लीक से हट जाती है, लेकिन तब भी आपको कहीं भी बोरियत फील नहीं होने देती ये सीरीज़। एपिसोड्स की लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक घंटे तक एक एपिसोड चलता ही जा रहा है, लेकिन जितनी देर भी चलता है आपको बोर नहीं होने देता। हाँ, 5वें और 7वें एपिसोड में थोड़ी सी कहानी ऊपर नीचे होती है, लेकिन फिर 8th और 9th एपिसोड में यह वापस अपने ट्रैक पे आ जाती है। 9 आवर्स वेब सीरीज़ आपको पूरा टाइम एंटरटेन करेगी। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।